ये है बिलासपुर की समाज सेवी सीमा वर्मा। मजरूह सुल्तानपुरी का एक बहुत ही मशहूर शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बिलासपुर की ये बेटी भी अपने कर्तव्य पथ पर अकेली ही निकली थी, लेकिन उनकी राह में कई और लोग जुड़ते चले गए। ये किस्सा है गरीब गुरबों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का, जरूरतमंदों की मदद करने का। और ऐसा 5 सालों से लगातार करती आ रही हैं सीमा वर्मा। सीमा ने इसके लिए बाकायदा एक अनोखी 1 रुपया मुहिम चला रखी है। आज इस मुहिम से सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं और अब तक 13,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी संवर चुकी है। जी, हमारे द्वारा 1 रुपया मुहिम अभियान चलाया जा रहा है पिछले 5 वर्षों से, और इस अभियान के तहत जो भी कलेक्शन होता है वो हम जरूरतमंद बच्चों के साल भर की फ़ीस जमा करते हैं। और हाल फिलहाल अभी कोरोना के समय से हम बच्चों को फ्री ट्यूशन क्लास दे रहे हैं, जिसमें 50 के आसपास लगभग बच्चे आते हैं। जी, हमारा जो मेन उद्देश्य है लोगों को अवेयर करना है, जैसे बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट्स की आती हैं चली जाती हैं, लोगों को पता नहीं होता है। बहुत सारे एजुकेशन के फील्ड की इंफॉर्मेशन होती है जो बहुत सारे लोगों को पता होता है पर कई लोगों को नहीं पता होता। तो इसी तरीके से हम 1 रुपया मुहिम अभियान चला करके लोगों को मैसेज देते हैं कि आप जहाँ हैं जिस जगह वहीं पर लोगों की मदद कीजिए, और आपके पास जो भी नॉलेज है आप उस नॉलेज से भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बिलासपुर के कौशलेंद्र राव विधि कॉलेज में LLB अंतिम वर्ष की छात्रा सीमा वर्मा ने इस मुहिम की शुरुआत 10 अगस्त 2016 से की थी। अपनी एक दिव्यांग दोस्त को ट्राईसाइकिल दिलाने की जिद ने सीमा को इस मुहिम के लिए प्रेरित किया। जी, 1 रुपया मुहिम की शुरुआत 10 अगस्त 2016 से मैंने की थी, पर उसको शुरू करने का एक मेरा मोटो था और मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था जिसकी बदौलत मैंने यह अभियान चालू किया। जी, मेरी एक दिव्यांग दोस्त है, उनको ट्राई साइकिल दिलाना था। अभी कोरोना काल में सीमा बच्चों को फ्री ट्यूशन क्लास के साथ साथ उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी क्लास दे रही हैं। जी, अभी मैं बच्चों को कोरोना काल में फ्री ट्यूशन क्लास देती हूँ, उनके पर्सनैलिटी को डेवलप करने का भी मैं कार्य कर रही हूँ, जिसमें बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ भी कराती हूँ, साथ में उनके खाना भी मैं एक दूसरे के साथ में हम लोग खाना भी खाते हैं, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ और बच्चों को बता सकूँ कि हम सब एक हैं। और अमीरी गरीबी ये सारे फासले तो बहुत अलग बात है, मेन होता है कि हम भारत देश को हमें बचाना कैसे है, तो इसके लिए हम लोगों को एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं। सीमा की नज़र में हर समस्या का एकमात्र समाधान एजुकेशन ही है, इसलिए वो चाहती हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो। और अमीरी गरीबी ये सारे फासले तो बहुत अलग बात है, मेन होता है कि हम भारत देश को हमें बचाना कैसे है, तो इसके लिए हम लोगों को एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं। भविष्य जो है सर, यही मैं कहना चाहूँगी कि हर प्रॉब्लम का सलूशन एजुकेशन है, तो मैं चाहूँगी कि हमारे भारत देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो। और जिसकी शुरुआत मैंने 1-1 रुपया लेकर के लोगों से की, तो वो एक कहीं ना कहीं था 1-2 रुपए, और वो हज़ारों और लाखों रुपए में कन्वर्ट हुआ। उसी तरीके से भारत का प्रत्येक बच्चा अगर शिक्षित होगा तो मुझे लगता है कि भारत देश का विकास। बहरहाल, मूल रूप से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली सीमा वर्मा की अनोखी 1 रुपया मुहिम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुकी है। अब लोग खुद ब खुद इस मुहिम से जुड़ते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन के कुछ आला अधिकारी भी इस मुहिम में जुड़कर इसे मुकाम तक पहुंचाने में भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन शिक्षा के प्रति सरकार को अभी और जागरूकता लानी होगी, तभी इन युवाओं की मुहिम रंग ला पाएगी। मोहम्मद सुलेमान खान, ETV भारत, बिलासपुर।